Now, today we are discuss exercise 5.5 NCERT. इसको करने से पहले आपको देखना पड़ेगा एक लॉक की वीडियो है हमारी कि किन किन क्वेश्चंस में आपको लॉक लेना है, किस तरह के सवाल को लेने से पहले आपको लॉक लेना पड़ेगा, सब करेंगे आप डिफरेंशिएशन। तो पहले आप लॉक के रूल्स की वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें कि लॉक किस तरह के क्वेश्चन में हमको लेना पड़ता है, उसके बाद आप लगाए वाली एक्सरसाइज। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का सवाल नंबर 1। यहां पर मुझको लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेंगे हम, इसमें ये बन जाएगा आपका लॉग y इक्वल टू लॉग cos x cos 2x cos 3x। तो लॉग y, लॉग m इंटू n का जो कॉन्सेप्ट होता है, log m into n के रूल से ये आपका हो जाएगा log m प्लस log n, यानी कि log into को कन्वर्ट कर देता है प्लस में। तो इसी के बेस पर आपका ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इसका करेंगे अब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट With respect to x, log y का हो जाएगा 1 upon y, log का हो गया, y का होगा आपका dy over dx is equal to log का 1 upon x होता है, इस log के लिए x आपका as a cos x है, log का हो गया, cos का होगा, तो cos का होगा minus of sin x plus log का होगा 1 upon x, तो इस log के लिए x आपका 2x है, log का हो गया, और cos का करेंगे तो minus of sin 2x, cos का sin होता है 2x, it is, अब 2x का होगा तो that is 2, अब होगा log का अगेन 1 upon cos इसका x आपका 3x हो गया, cos का होगा minus sin 3x, अब 3x का होगा आपका 3। तो sin of cos 10x it is 10 2x it is 10 3x माइनस आप लेंगे कॉमन, जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे हर साइड से तो ये बनेगा आपका y dy over dx। तो dy over dx इसमें y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चन से, ठीक। इन क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू दिस, तो इसमें आप एक काम करें, पहले टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, रूट का मतलब पावर में एटम हाफ इधर, ठीक। लॉग का रूल ये है, लॉग m की पावर n होता है, तो पावर आपका आगे आ जाएगा n log m, और log m अपॉन n का मतलब log m माइनस log n, यानी कि डिवाइड को लॉग कर देता है माइनस में कन्वर्ट, और पावर को लॉग आगे ले आता है। तो पावर इसमें कितनी है आपकी, हाफ, वो आपकी आगे आ जाएगी, ठीक। अब log इनटू वाला हो जाएगा प्लस में, तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, जो अपॉन वाला पोर्शन है वो आ जाएगा आपका माइनस में, तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करेंगे डिफरेंशिएशन हम, इट इज log y, तो log का हो जाएगा 1 upon y, 1 upon x होता है log का, तो 1 upon y यहां पे है तो y आ जाएगा, y का हो जाएगा dy over dx, half आपका l it is, log का होता है 1 upon x, इस log के लिए x का है आपका x minus 1 plus इसका 1 upon x minus 2, इसका minus का है तो minus, इसका हो जाएगा x माइनस 3 माइनस
वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो हमको पता करना था इसमें dy ओवर dx ये y एक्स्ट्रा है, तो इसको आप लिख सकते हो dy ओवर dx इज इक्वल टू y इंटू ये y आपका इधर पहुंच जाएगा हाफ इसका इधर आपका मौजूद है पहले से ही पूरा पोर्शन लिखा हुआ है अंदर ये यहाँ पर लिख रहे वन अपॉन एक्स माइनस वन वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। वाई की वैल्यू पुट करने के लिए आपको नहीं है, चाहो तो कर सकते हो क्वेश्चन से, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेंगे इसमें आप लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। लॉग के रूल से कॉस पावर कहां पे आ जाएगा आपका आगे, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स इट इज लॉग वाई। नाउ इधर देखिए अब आप आपका ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन आपका ये हो गया तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यहां पर आपको अब अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई और वाई का होगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहले करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, सेकेंड आपका जो होगा क्यों लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस अब आपका फर्स्ट जो होगा क्यों आपका आ जाएगा अब होगा सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे चेन रूल से इस लॉग का होगा फिर इस लॉग का होगा, तो पहले करते हैं फर्स्ट लॉग का वन अपॉन इस लॉग के लिए एक्स क्या है लॉग एक्स वन अपॉन लॉग एक्स इंटू अब इस लॉग का होगा वन अपॉन एक्स ठीक। तो अब ये वाला वाई आपका उधर भेज दीजिए तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। इसमें आप इस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो दिस तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई इज लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स बाकी पूरा का बेटा आपका एंटर का इसमें आ जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर, इसमें वाई भी छोड़ सकते हो आप और ये भी छोड़ सकते हो कोई कॉलम नहीं है। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लॉग से नहीं कर सकते फिलहाल बिकॉज लॉग कभी भी प्लस और माइनस में काम नहीं करता है। लॉग आप तभी लेंगे जब सवाल आपका इंटू में हो या आपका डिवाइड में हो। तो इसको करने से पहले आप एक काम करिए, इसको आप सपोज ए मान लें इसको आप बी मान लें ठीक। तो सवाल आपका हो जाएगा वाई इज टू ए माइनस बी। यहां मैं अज्यूम कर लिया है कि मेरा ए जो है दैट इज एक्स पावर एक्स एंड बी इज टू की पावर साइन एक्स, लेट इसको हम कर लेते हैं। तो आपका सवाल हो जाएगा वाई इज टू ए माइनस बी, तो इसका करो डिफरेंशिएट आप डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू डी ए ओवर डी एक्स माइनस डी बी ओवर डी एक्स। इसको आप मान लें सवाल पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहां से और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको यहां से। तो मैं पहले एक काम करता हूं यहां इसको हल लेता हूं मैं इधर, लेट ए इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स एंड बी इज इक्वल टू टू की पावर साइन एक्स। तो ए मेरा ये था, अब मैं इसमें लॉग ले सकता हूं अप्लाई लॉग बोथ साइड लॉग इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स, ये लॉग का नियम से एक्स आ गया आपका आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग का वन अपॉन ए, इस ए का करेंगे तो डी ए ओवर डी एक्स। नाउ फर्स्ट इंटू सेकेंड से फर्स्ट का होगा वन
लॉग एक्स जो करते हो प्लस अब फर्स्ट जो करते हो इस लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, एक्स से कट जाएगा आपका, तो डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू ए इंटू इधर वन बचा आपका वन प्लस लॉग एक्स एंड वैल्यू ऑफ ए इज एक्स पावर एक्स, तो डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। इसको आप मान लेते हैं सपोज इक्वेशन नंबर टू। नाउ बी हमें लिया था टू की पावर साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू टू की पावर साइन एक्स लॉग बेस टू, बिकॉज y इक्वल टू a की पावर x का होता है डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx इक्वल टू a की पावर x log a, इधर आपका a क्या है 2 एंड x का आपका फंक्शन आपका इधर रखा था, तो इसलिए इसलिए आपका फॉर्मूला है, तो फिलहाल मैंने किसका किया है a की पावर x का हुआ है a की पावर x log a, अब होगा sin x का इनटू इसी में कर देते हैं इसको cos x, तो dv ओवर dx आपका ये आया ये इनटू है इसमें इक्वेशन में आपको मानना पड़ेगा इसको 3। अब थर्ड इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से dA ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट करोगे आप तो dy ओवर dx इक्वल टू वैल्यू ऑफ dA ओवर dx इज दिस x की पावर x 1 प्लस log x एंड वैल्यू ऑफ dv ओवर dx इज दिस, तो 2 की पावर x या पहले सॉल्यूशन लेते हैं cos x 2 की पावर sin x log 2, इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अप्लाई log बोथ साइड तो इसमें हो जाएगा आपका log y इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4। ठीक, अब log n इंटू n के कॉन्सेप्ट से पता है आपको कि log इंटू को कन्वर्ट कर देता है प्लस में, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 3 का स्क्वायर, पावर log में कहां पे आ जाती है आगे, इसको हम यहां पर लिख देते हैं आगे प्लस ये हो जाएगा log x प्लस 4 की पावर 3, 3 कहां पे आ जाएगा आगे प्लस log x प्लस 4 की पावर 4, 4 कहां पे आ जाएगा log में आगे। ठीक, इसका आप कर देंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका log y का 1 अपॉन y dy ओवर dx इक्वल टू 2 log x प्लस 3, 2 तो कांस्टेंट आपका है log का हो जाता है 1 अपॉन x, तो इसका हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन log का 1 अपॉन x होता है, तो x प्लस 4 प्लस इसका 4 जो आते हो log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस 4, ये वाला y कौन जाएगा उधर, तो dy ओवर dx इक्वल टू y इंटू 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 4, इसमें आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो y की बंदे हो, तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 5। कहां पर हुआ है